गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी के ज्योग्राफी पोर्शन में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने अभी तक भारत में अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में पढ़ा, हमने भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि कहीं पठार थे, कहीं मैदान थे, कहीं पर्वत थे और कहीं मरुस्थल थे। लेकिन एक चीज़ अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी छूट रही है, वह है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, जिसके बिना हमारा जीवन ही असंभव है, वो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो अब हम उसी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, सबसे पहले तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या चीज़ है? तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब प्राकृतिक रूप से अपने आप वह उगे हुए सारे प्लांट पौधे जिन्हें मानव ने नहीं उगाया, वो अपने आप उगे हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप अपने खेतों में फसलें उगाते हो, जो आप अपने खेतों में बाग बगीचे उगाते हो, क्या उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे या नहीं? सोचिए। जी हाँ, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति वह होती है जो अपने आप उगती है, उसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। तो इस चैप्टर में दूसरी चीज़ है जिसे हम पढ़ेंगे, वो है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। तो वन्य जीव है वो सारे ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म, वह सभी जंगली जीव जंतु जो जंगल में पाए जाते हैं, जो मानव उन्हें अपने घरों में नहीं रखता है, वो सारे जंगली जीव कहलाते हैं, और हम उन्हें उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव और वन्य प्राणी के बारे में हमारे पास कुछ डाटा है। आज हम उस डाटा के बारे में देखते हैं कि वो कितना कितना है भारत में। तो नंबर ऑफ स्पीशीज डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, 47,000 प्लांट स्पीशीज इन फाउंड इन इंडिया। हमारे भारत में 47,000 प्लांट्स की स्पीशीज हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो हैं प्लांट्स हमारे यहाँ पर। तो ये देखिए, ये प्लांट्स स्पीशीज हैं। अब ये जो प्लांट स्पीशीज भारत में पाए जाते हैं, ये जो है पूरी दुनिया में भारत में का 10वां स्थान है। मतलब इतने ज़्यादा प्लांट्स भारत में हैं। अगर हम ये एक प्लांट की बात करेंगे, जैसे सपोज़ हम किसी भी एक प्लांट की बात करेंगे, इस प्लांट की बात करते हैं, तो ये एक स्पीशीज़ है। इसी तरह कुल मिला के ये दूसरी स्पीशीज़, इसके अंदर इसी के तरह के जो अलग अलग जो पेड़ हैं, सपोज़ अगर मैं आम की बात करता हूँ, तो आम का एक पौधा है वो एक स्पीशीज़ को डिनोट करता है। इस तरह भारत में कुल मिलाकर जो है हमारे पास 47,000 स्पीशीज हैं, प्रजातियाँ हैं प्लांट्स की। जो दूसरे नंबर पर है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, 15,000। मतलब कि 15,000 जो है हमारे भारत में फ्लावरिंग, वो सारे प्लांट जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर लगते हैं। यह मान देखा गया है कि जो फल वाले पौधे होते हैं, नेचुरल सी बात है, उसमें पहले फ्लावर ही लगते हैं। तो वो कुल मिलाकर 15,000 हैं, और जो कि वर्ल्ड में 6% है इंडिया के फ्लावरिंग प्लांट्स का। वर्ल्ड में हम छठा स्थान रखते हैं फ्लावरिंग प्लांट में। यह कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे सामने हैं। अगर हम देखेंगे, एक प्रजाति ये है, एक प्रजाति ये है, एक प्रजाति 15,000 इस तरह की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में। आइए अब बात करते हैं एनिमल्स की, भारत में एनिमल्स कितने हैं। तो देखिए, 89,000 एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, इन आवर कंट्री। भारत इतना समृद्ध देश है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पर जो है 89,000 जो है वो एनिमल जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स की हमारे सामने पिक्चर है, ये देखेंगे, ये तो कुछ एनिमल्स ही हैं। तो हमारे सामने 89,000 जो है इनकी स्पीशीज जो है वह पाई जाती है भारत में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये
वन हॉर्न रैनो की। तो ये वन हॉर्न रैनो एक है। अब कितने सारे वन हॉर्न रैनो हैं, यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी में क्षेत्रों में पाया जाता है और मुख्यतः आसाम इनका जो है गृह क्षेत्र है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं। इस तरह अगर हम हाथी की बात करेंगे, एलिफेंट की बात करेंगे, तो ये एक स्पीसीज है एलिफेंट की। तो सारे एलिफेंट साउथ इंडिया जो है हमारे पास रिच एलिफेंट्स में, तो ये वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से 89,000 जो है स्पीसीज है एनिमल्स की, जिसके कारण भारत वन्य प्राणियों में भी बहुत रिच है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो 1200 है वो बर्ड स्पीसीज भी है, जो दुनिया का पूरा 13% टोटल वर्ल्ड की बर्ड्स का 13% जो है वो इंडिया में है। ये कुल मिला के 1200 इनकी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा 2500 जो है फिश स्पीसीज भी भारत में पाई जाती हैं, जो कि पूरी दुनिया का जो है 12% कहलाता है। ये देखिए, ये कुछ फ़िश है हमारे सामने, अलग अलग फ़िश है, अलग अलग किस्म। बेटा एक बात याद रखना कि बहुत जो फ़िश है, हमने कम से कम एक दो या चार पांच किस्म की फ़िश देखी होंगी, लेकिन फ़िश में सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के फ़िशेज़ जो हैं पाई जाती हैं। अगर हम अपने कोस्टल रीजन में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, समुद्र के किनारे, तो वहाँ के जो मछुआरे हैं वो अलग अलग फ़िशेस को पकड़ते हैं और फ़िश के भी अलग अलग जो है मूल्य निर्धारित होते हैं। ये कुछ बर्ड्स हैं हमारे पास, तो बर्ड्स में भी हम देखेंगे पिजन है, पैरट है, वो एक कैटेगरी जो है इसकी, एक स्पीसीज है। इसके अंदर अलग पिजन्स में देखेंगे हम, कितने सारे पिजन भारत में जो है पाए जाते हैं, कितने सारे जो है पीकॉक हमारे पाए जाते हैं, क्रो और अदर जो है बर्ड्स आ जाते हैं इसमें। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि इसका क्या कारण है कि भारत में इतनी सारी प्रजातियाँ वनों की और इतनी सारी प्रजातियां वन्य जीवों की पाई जाती है। तो फैक्टर विच अफेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, मतलब डाइवर्सिटी विभिन्नता क्यों आ रही है इनमें। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है लैंड, यानी कि भूमि। भूमि जो है बहुत मेन रोल प्ले करती है वनस्पति की प्रोडक्शन में और जंगली जानवरों के रहने के स्थान में, डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करती है। देखिए जो हमारे मैदानी इलाका है, मैदानी इलाकों में जो है लोग कृषि करते हैं और कृषि होने के कारण यहाँ वनस्पति कम पाई जाती है। जैसे जैसे भूमि में बदलाव आता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर वेजिटेशन का ज़्यादा घनत्व है, तो वहाँ पर जंगली जीव भी अधिक पाए जाते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वनस्पति का विभिन्नता के कारण, वो है सॉइल, मृदा हमारी। ठीक है बेटा, अब देखिए कि राजस्थान में मरुस्थली मृदा है, तो वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होगी, वहाँ की वनस्पति किस तरह की होगी, वहाँ पर कटीले वन पाए जाएंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जिस मिट्टी में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उस मिट्टी में मैनग्रोव तरह के या डेल्टिक वेजिटेशन जो है वो पाई जाएगी। इनके बारे में हम आगे डिटेल से करेंगे। तो जो मिट्टी है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जो वनस्पति उसको बढ़ने में और जानवरों के रहने में। अगला है तापमान। तापमान भी वनस्पति को बढ़ने में या उसकी ग्रोथ में बहुत मेन रोल प्ले करता है। हम जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी, 165 मीटर हाइट पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है, तो हाइट के अनुसार भी तापमान कम हो जाता है, तो उसके अनुसार जो है वनस्पति अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। जहाँ तापमान अधिक होगा वो वर्षा वाले क्षेत्रों के साथ मिलकर ज़्यादा जो है वनस्पति ग्रोथ करेगा, अन्यथा जहाँ तापमान कम है वहाँ पर वनस्पति की ग्रोथ कम होगी। नेक्स्ट है बच्चों सनलाइट, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें जहाँ पर अधिक पड़ेंगी वहाँ पर बहुत घने वन पाए जाएंगे, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी वहाँ कम वन पाए जाएंगे। तो घने वन यानी कि अधिक जो है हमारे पास वाइल्ड लाइफ होगी, जंगली जीव भी वहाँ अधिक होंगे और वहाँ वन्य प्राणी भी अधिक होंगे। अगला है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण, यानी कि वर्षा। वर्षा जो है वो तापमान और वर्षा, एक प्लांट को बढ़ने के लिए दो ही चीज़ें मुख्य होती हैं, तापमान और वर्षा। तो वर्षा जब तापमान के साथ मिलती है तो वहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। वह इलाका जहाँ पर कि बहुत
अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है वहाँ पर घने वनों का आवरण जो है वो मिलता है। घने वन होने के कारण वहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो विभिन्न विभिन्न कारणों के कारण भिन्न भिन्न जो है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में हमारे भारत में मुख्यतः 5 तरह की वनस्पति पाई जाती है। वह कौन कौन सी है? सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरे नंबर पे देखेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स मतलब कि कंटीले वन और झाड़ियाँ। चौथे नंबर पे देखेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट और पाँचवें में माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन। तो भारत में यह 5 प्रमुख प्रकार के वनस्पति जो है वो पाई जाती है। तो बच्चों ये 5 प्रकार की प्रमुख जो वनस्पति है भारत में पाई जाती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जैसे आपके सामने है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वह वन है जो मुख्यतः अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा का मतलब है जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, मतलब लगातार सारा साल वर्षा ये ग्रहण करते रहते हैं। इनकी लगभग जो है हाइट 60 मीटर से अबव होती है, ये 60 मीटर से ऊंचे होते हैं और रीजन रिमेन वेट थ्रू आउट द ईयर। ये हर सारा साल गीले और धूप जो है यहाँ पर खिली रहती है। यहाँ पर सभी तरह की वेजिटेशन जो है पाई जाती हैं। जो मुख्य प्रकार की वनस्पति है उसका नाम है एबनी, महगनी, रोजवुड, रबर और चिंकोना। और दूसरी चीज़ इसमें पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो मुख्यतः हैं एलिफेंट, मंकी, लेम्यूर एंड डियर। ये जानवर इसमें पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे से आरंभ होकर ये 1.5 मीटर है। यहाँ पर जो है यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये झाड़ी वाली परत है, छोटे छोटे पौधे 5 मीटर तक की हाइट पर, ठीक है। फिर नवीन वृक्ष यहाँ से मिल जाते हैं, हमें देखने को मिल जाते हैं 20 मीटर की हाइट पर। वितान परत वाले मिल जाते हैं, फिर उसके बाद निंगत परत वाले मिल जाते हैं और 60 मीटर से अधिकतम ऊंचाई वाले पर्वत जो है जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो है इन वृक्षों की जो हाइट है 60 मीटर से भी अधिक होती है, मतलब कि ये बहुत बड़े होते हैं। ये इस वीडियो में आप उदाहरण देखेंगे एबनी, महगनी एंड रोजवुड ट्रीज़ के। अब ये देखिए इनमें आप अगर देख सकेंगे कि जो ये तना है इसका, ये देखिए कितना बड़ा तना है। यहाँ देखिए इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर देखिए इसकी हाइट कितनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये वृक्ष होते हैं सदाबहार वन, ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। इतने घने होते हैं ये कि इनमें सूर्य की किरणें नीचे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, इतने घने होते हैं ये। और यह अपने पूरा सारा साल अपने पत्ते नहीं गिराते, सारा साल ये हरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और भारत के पश्चिमी घाट, कुछ हिस्से में पूर्वी घाट में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर इस तरह के वन जो है भारत में पाए जाते हैं।